दोस्तों एक यूज़र का कहना है कि वर्डप्रेस के अंदर जो पेजेस होते हैं और जो कैटेगरी होते हैं, तो आखिर पेज और कैटेगरी में दोनों में फ़र्क क्या है, आखिर इनका काम क्या होता है वर्डप्रेस के अंदर। दोस्तों इस तरह का भी आपका भी प्रश्न है और आप जानना चाहते हैं कि पेज और कैटेगरी में फ़र्क क्या होता है, तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। सबसे पहले मैं इसका बेसिक बता दूं, आखिर पेजेस है क्या और कैटेगरी है क्या। दोस्तों जब आप साइट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं एंड अबाउट लिखते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी होती है वो लिखते हैं, वो सब पेजेस में ही लिखी जाती है, है ना। एंड यहाँ पर कैटेगरी में दोस्तों आप किसी साइट पर जाते हैं और पर्टिकुलर कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें काफ़ी पोस्टें आती हैं, तो वो पोस्ट कैटेगरी से ही टैग होती हैं, ठीक है। तो सिंपल से पहले हम एक साइट को खोल लेते हैं, जैसे कि खोल लेते हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। नीचे आते हैं तो पेजेस हमेशा नीचे होते हैं, लेकिन कैटेगरी में भी मिक्स कर देते हैं लोग आग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये अबाउट बना है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अबाउट में ये पेजेस आ रहा है ना। एंड यहाँ पर देखिए हमने अस क्वेश्चन का पेज बनाया है ना, तो देखिए ये अस क्वेश्चन इसमें लिखा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी में ऐसा नहीं है, कैटेगरी में आप कोई भी कंटेंट नहीं लिख सकते, पोस्ट में लिख सकते हैं। कैटेगरी आपको ज़्यादातर ऊपर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि कैटेगरी के अंदर हम पोस्ट टैग करते हैं। जैसे कि हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर जाना है, सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक कैटेगरी बनाई है। कैटेगरी के अंदर हमने यहाँ पर काफ़ी पोस्ट लिखी हैं, ये देखिए है ना, ये देखिए। इसके लिए मैं यहाँ पर अपनी साइट को खोल लेता हूँ और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। साइट खोलने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम सिंपल सा पोस्ट के अंदर यहाँ कैटेगरी पे जाएंगे और यहाँ पर पेजेस पे जाएंगे। तो हमारी साइट के अंदर देखिए अबाउट पेज बनाया, आस्क क्वेश्चन बनाया, बेसिक कंप्यूटर बनाया, कॉन्टैक्ट, इन पेजेस को कैटेगरी में टैग नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। कैटेगरी के अंदर केवल यहाँ पर पोस्ट टैग होती हैं। जैसे हम जाते हैं तो देखिए यहाँ हमने एक्स्ट्रा थीम बनाई है, तो एक्स्ट्रा थीम पर जो पोस्टें लिखी हैं वो यहाँ पर 15 हैं, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर पर जो हमने पोस्ट लिखी हैं वो टैग की है तो 200 हैं, ठीक है। जैसे हम साइट के अंदर जाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये सारी कैटेगरी हैं। जैसे आप किसी भी कैटेगरी पर जाएंगे आपको उस कैटेगरी से रिलेटेड पोस्ट मिलेगी, ठीक है। लेकिन पेजेस में ऐसा नहीं है, पेजेस में आपको खुद लिखना होता है कंटेंट को, और इसे कैटेगरी में आप टैग नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसको कैटेगरी के साथ रख सकते हैं, ठीक है। तो जब आपको अपनी कोई डिटेल लिखनी है साइट के अंदर और उस डिटेल को साइट पर कहीं अलग से दिखानी है, तो आप यहाँ पेजेस बना सकते हैं। जैसे कि आपने साइट पे देखो अबाउट पेज, आस्क क्वेश्चन, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये पेजेस में बनती हैं। एंड यहाँ पर कैटेगरी, कैटेगरी में हम यहाँ पर पोस्ट जो लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे पोस्ट हैं, चलिए हम पोस्ट पर आते हैं। तो काफ़ी जो पोस्टें लिखी हुई हैं इन पोस्टों को टैग करते हैं हम कैटेगरी के अंदर, है ना। तभी तो हम साइट पर जाते हैं और कैटेगरी पर क्लिक करके उससे रिलेटेड सारी पोस्टें पढ़ लेते हैं, है ना। तो कैटेगरी और पोस्ट में फ़र्क यही है, कैटेगरी में आप कुछ जानकारी नहीं लिख सकते, केवल अपनी लिखी हुई पोस्ट को टैग कर सकते हैं, और पेजेस के अंदर आप जानकारी लिख सकते हैं लेकिन उस पेज को कैटेगरी में टैग नहीं कर सकते, है ना। तो पेजेस और कैटेगरी में ये फ़र्क है। तो आई होप आपको कैटेगरी एंड पेज में क्या फ़र्क होता है ये अच्छे से समझ आए होगा। तो दोस्तों इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।